देखिए, आज सुबह हमारे जो नौजवान, खासकर युवा राजपूत सभा के और दूसरे यूथ जिनको डिटेन किया था कठुआ जेल में, रखा था गवर्नमेंट ने, उनको रिलीज किया है। ये खबर मुझे मिली, बहुत अच्छा लगा, अकलमंदी की गवर्नमेंट ने। लेकिन एक बात सोचनी पड़ेगी कि हम इस किस्म के, जिससे प्रोवोकेशन हो, जिससे इस पीसफुल रीजन के अंदर आग लग जाए, ऐसे फैसले नहीं लेना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये जरूर, कोई अंदर ब्यूरोक्रेसी में कोई ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से गलत डिसीजन लेने के लिए एडवाइस करते हैं। दिस वॉज टोटली इल एडवाइज डिसीजन, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ऐसी सेंसिटिव जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, यहाँ पर कई किस्म के आसपास के पड़ोसी दुश्मन भी इस ताक में हैं कि हम कैसे आगे लगाए। अब देखिए, ये जो बात अभी हुई है, जो हालात यहाँ क्रिएट किए गए, मैं समझता हूँ इनकी जरूरत नहीं थी। अगर कोई अकलमंदी से बात करता, समझाता लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये गवर्नेंस किस तरीके से, यहाँ हमने कैसे लोगों को साथ लेकर चलना है, स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ असेंबली। आगे इतनी बड़ी चोट यहाँ लगी हो, ऐसी तारीखी रियासत को तोड़ के यूटी बना दिया गया हो, अभी तक लोगों से गले से नहीं उतर रही, और खासकर इन डोगराज के, जिनके बुजुर्गों की हड्डियां खोपड़ियां आज भी उन बर्फानी पहाड़ों में है, ये किस तरीके से जरा जरा इकट्ठा करके और इतनी विशाल रियासत बनाई थी। इसलिए ये जो पीछे ये सारा सिलसिला जो चल रहा है, अभी भी चल रहा है, इस सिलसिले में सबसे बड़ा रॉन्ग स्टेप था कि हमारे नौजवानों को गिरफ्तार कर। और उससे भी ज्यादा यह था कि आपने क्यों ऐसे गलत डिसीजन लिए। आप डिसीजन लेते हो, आपको पता है कि फिर दो कदम पीछे चलते हो, ये बात यहां नहीं होती। आप डिसीजन लेने से पहले बाद में कहते हो कि सोसाइटी की हम राय लेंगे, होना ये चाहिए कि ये मालिक हैं लोग आजकल की गवर्नमेंट के, ये नहीं है कि ये कोई आज वो गुलाम है अंग्रेजों की तरह के, हाँ हुकूमत चलानी है, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। तो होना ये चाहिए था कि सिविल सोसाइटी को, जब असेंबली नहीं फंक्शन कर रही, तो सिविल सोसाइटी को कॉन्फिडेंस में लेके 10 मीटिंगें करते, 20 करते, और उसके बाद ये अपने डिसीजन लेते, जो लोग कहते, जो फैसला करते। जो लोग पिछले 75 सालों से ऐसी सीरियस घटनाओं में फंसे हुए हैं, क्या क्या हुआ यहाँ, घर खाली हो गए, तबाही हो गई, बॉर्डर पर इधर से फायरिंग चल रही है, क्रॉस फायरिंग हो रही है, उधर से मिलिटेंसी है, कश्मीर की माइग्रेशन यहाँ हो रही है, किस किस्म के कम्युनल यहाँ पर बातें चल रही हैं, उनका मुकाबला ये देशभक्त लोग कर रहे थे, इनको नहीं छेड़ना चाहिए। खैर, जो भी हुआ, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छा किया हमारे नौजवानों को छोड़ा, लेकिन ये याद रखो, किसी किस्म का केस उन पर नहीं होना चाहिए, कोई किसी किस्म की ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए कि फिर प्रोवोकेशन हो। आपने देख लिया, पूरे कोई ऐसी है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, अपने अपने तौर पर हर गांव से आवाजें निकली, हर जगह से लोग निकले और सड़कों पर आ गए, और लोग मरने मराने के लिए तैयार हो गए। आप यहाँ से अंदाजा लगाओ कितने जख्म हरे हो गए सबके, जो इतनी चोटें पिछले 75 साल से खा रहे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो ये टोल प्लाजा, ये जो स्मार्ट मीटर, इलेक्ट्रिक शॉप स्मार्ट मीटर हैं, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है, आप लोगों से जो आप समझा रहे हो, लोगों की मीटिंगें बुलाओ। राजभवन का इतना बड़ा लान है, आप कश्मीर में ही फंसे हुए हो, आप क्या कर रहे हो, आप अपने बैंकर को तोड़ रहे हो। तो मैं अपील करना चाहता हूँ, इस बात को हम अप्रिशिएट करते हैं कि आखिर देर आए दुरुस्त आए, आपने ये फैसला कर लिया, नौजवानों को छोड़ा, और खासकर 2 दिनों के बाद रक्षाबंधन आ रही है, बहनें इंतजार कर रही थी, अगर ये आप गलती कर देते, उनको ना छोड़ते, वो रक्षा जो राखियां नहीं बंधवा सकते, तो यहाँ की सिचुएशन आपके हाथ में नहीं रहनी थी, ये ठीक किया। लेकिन फॉरेन टोल प्लाजा को, जिनको लेकर ये बात शुरू हुई, इन टोल प्लाजा को, स्मार्ट मीटर्स को, प्रॉपर्टी टैक्स को रोक लो, आपने रोका है, आप कह रहे हैं कि हम लोगों से सलाह करेंगे, और फिर सिविल सोसाइटी के रहे लोग,
और इसके साथ साथ बाकी लोग जो सड़कों पर बैठे हैं, चाहे डेली वेजर्स हैं, चाहे बाकी है, कई किस्म के मसलों से लोग मुबतला हुए हैं और सड़कों पर हैं, मेहरबानी करके उनकी बात सुनो और उनका सलूशन निकालो। अरबों रुपया आपका पानी की तरह चल रहा है, उस रुपये को उस तरफ डाइवर्ट करो, दो लोगों को। और घबराहट है लोगों के अंदर दफा 370 के बाद कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ कितनी दुनिया आएगी, हमारा क्या होगा, हमारे कल्चर का क्या होगा। इस घबराहट को दूर करो। मुबारक मंडी हमारी हेरिटेज, हमारा इतिहास, प्लीज उसे बचाओ। आप मुबारक मंडी के किसी पैलेस में होटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब कब से हम कह रहे हैं, अफसरों को पूछे तो कहते हैं हम नहीं कर रहे हैं, और वो यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट किए जा रहे हैं। हम आपको वाहन करते हैं कि वो जुगर प्रदेश का सबसे प्रेस्टिजियस हेरिटेज है, उसको मत छेड़ो तरह तरह की बातें करके। इसमें भी मुझे लगता है कुछ ब्यूरोक्रेट्स अपने आप को करप्शन में इन्वॉल्व कर चुके हैं, वो कोई कमिटमेंटें कर चुके हैं, इसलिए कहने के बावजूद भी बार बार वहां पर आ रहे हैं। और वहां का आर्काइव्स 8 लाख फाइल है, ये हिस्ट्री है यहाँ की, जम्मू कश्मीर की, उसको आप कहाँ ले जाए। मैंने सुना कोई बिल्डिंग कला केंद्र वहां कहाँ बना रहे हैं, ये गलत कर रहे हो, वो रूह है इस हेरिटेज की, उसको बाहर नहीं निकालना। आने दो जो दुनिया के लोग आते हैं यहाँ पर कोई रिसर्च करने के लिए, स्कॉलर आते हैं, उनके लिए वो जगह फर्स्ट क्लास बना के दो। और अब मैंने ये कहा है कि मुबारक मंडी खोल दो, जिस हालत में है लोगों को देखने दो। ऐसे भी हेरिटेज हैं जो दीवारें टूटी हुई हैं लेकिन स्टोरी लिख के वहां रखी हुई है, लोग आते हैं देखते हैं। अब क्यों इस तरीके से कर रहे हो कि बंद करके अंदर उसको सारा बेड़ा गर्क कर रहे हो, पूरी बरसात में मुबारक मंडी आई खतरे में है। इसलिए मैं फिर आखिर में अपील करता हूं और डुब के इसको इन चीजों को, ये इरिटेट करती हैं लोगों को, हमारे लोगों को, इनको मत छेड़ो, मत करो। आपने अच्छा काम किया पिछले दिनों में, आपने प्रताप पार्क में श्रीनगर के अंदर बलिदान स्थान बना लिया ताकि लोगों को, लोग इंस्पायर हों उन शहीदों की कहानियां सुन के। ये काम भी इसी ढंग से करो। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब वक्त आ गया है आपको इस बंकर को मजबूत करने की, जम्मू सूबह डुग्गर प्रदेश को मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि आप जब अब ये असेंबली के इलेक्शन करवाएं, पॉपुलर गवर्नमेंट यहाँ बन सके, नहीं तो आप ये काम नहीं कर सकोगे। और रिजल्ट ये होगा कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक 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 टेस्ट डेवलप हो जाएगा कि मिलिटेंसी के दौरान किस तरीके से हुकूमत करनी होती है, वो इस डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर बहुत खतरनाक होगा। और सारे सियासतदानों से, सारे डुगर प्रदेश की संस्थाओं को, नौजवानों को मैं अपील करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके इस तरीके से नहीं कि अलग अलग आवाज देने के लिए एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे हो जाओ, बिना लिहाज पार्टी पॉलिटिक्स, बिना लिहाज मजो मिलत, क्योंकि आपकी सियासत तब चलेगी, पार्टियां तब चलेंगी जब यहाँ पीस होगा। नहीं होगा पीस, आपकी कोई नई इलेक्शन होगी ना, आपकी सियासत चलेगी, तो क्यों उस चीज का कर रहे हो। इकट्ठे हो जाओ, आप जूतों की तरह अपनी पार्टियां आज से चीजें बाहर खोलो, जैसे मंदिर में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते वक्त खोलते हैं, और इकट्ठे हो जाओ एक प्लेटफॉर्म पर, और हम इस डुग्गर प्रदेश को और हमारे बुजुर्गों की बनाई हुई इस धरोहर को, इस रियासत को, एरिस्ट वाइज रियासत को जो आज यूटी बना दी गई है, इसकी फिर से हम प्रेस्टीज बहाल करें और इसको हम ठीक ढंग से चलाने की कोशिश करें। धन्यवाद।